हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के स्पेकुलेशन से लेकर निफ्टी के आउटलुक से रिलेटेड कल क्या हो सकता है, एज वेल एज आठ ऐसे स्टॉक्स में आपको बताऊंगा जो यहां पर आपको मेक या ब्रेक लेवल, जिसे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी कहते हैं, वो होते हुए दिखाई देंगे और अच्छा खासा पैसा आपका कल के इंट्राडे में बनता हुआ नजर आएगा अगर इन आठ स्टॉक्स की तरफ ध्यान देंगे तो। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आए। और यहाँ पर डेली बेसिस पर वीडियो आ रही है, जाके देखिए। और एक वीडियो भी डाली है कि आई बॉट दिस बिग बुल आरजे फेवरेट स्टॉक डेल्टा कॉर्प, तो क्या रीजन है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। और हमने आपके लिए एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्रेडिंग दिल से, इसे यहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक भी दे रखा है ओके, और प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उसे जाके यहाँ पर देख लीजिए तो अच्छा पैसा आपका बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए ऑलरेडी ये लाइन जितनी भी ड्रॉ कर रखी है किस तरीके से ड्रॉ होती है, इसके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, इस प्लेलिस्ट पे गो थ्रू करिएगा, तीन वीडियो है डाली हुई है, तीन वीडियो को देख लीजिएगा तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये लाइन किस बेस पे खरीदी है खींची है, और इसी बेस पे अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ गया था यहाँ पर मार्केट को, बट यहाँ से ही टच करके नीचे आ गया, यहाँ पर देखेंगे ऊपर गया था तो यहाँ पर टच करके फिर ऊपर चला गया, तो ये सब चीज आपको चीजें समझ में आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ तक गया, इसके बाद गिरावट होती हुई दिखाई दी ओके, लाइन ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ है, यहाँ पर भी देखिए ऑलरेडी पहले से ड्रॉ है, तो कल क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए मारुबोजुक टाइप की कैंडल बनी है, जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो गिरावट का संकेत होता है, बट सामने ही सपोर्ट भी खड़ा हुआ है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो कल अगर गिरावट होती है तो देखिए 15,966 का लेवल चल रहा है, 15,890 और 80 तक ये लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब यहाँ पर 70-80-90 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है, और उसके बाद दोबारा शायद यहाँ पर बाउंस बैक करते हुए मार्केट दिखाएगा। बट अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो याद रखिए चीजें बिगड़ती हुई दिखाई देगी, और 15,700 का लेवल, 15,680 का लेवल यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको मार्केट में इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहेव करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टॉक्स को बाई करना है या फिर सेल करना है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप आप यहाँ पर देखेंगे कि स्मॉल कैप में भी तेजी और मंदी दोनों यहाँ पर बनी हुई है, डिप यहाँ पर निफ्टी 50 के हिसाब से ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट स्टिल ये ऊपर है निफ्टी की तरह या 50 की तरह गिरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है निफ्टी स्मॉल कैप के ऑलरेडी यहाँ पर डिस्काउंट हो चुके हैं, और स्मॉल कैप के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बेहतरीन आ रहे हैं, इस चीज को याद रखिए ओके। ये इसका मेक अ ब्रेक लेवल है ओके, यहाँ पर 8,931 का लेवल जो रेजिस्टेंस है ये क्रॉस किया तो धीरे धीरे करके ये ऊपर जा सकता है, और मेन इसे 9,408 का लेवल ओके यहाँ पर ये क्रॉस करना है, तो उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप भी आप यहां पर देख सकते हैं सेम एज इट इज बिहेव कर रहा है, बट आज क्या होता हुआ दिखाई दिया, जो लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है इसी को टच करके ये नीचे आया है ओके। मैं हमेशा कह चुका हूँ ये लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, नीचे लिंक है जाके वीडियोस को देख लीजिएगा, एज वेल एज यहाँ पर बनी है डोजी। डोजी का मतलब क्या होता है, अगर इसने आज का हाई 28,032 इसे निकाल दिया तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, जो इसे 28,600 और 28,500 तक यहाँ पर लेते हुए जाएगी, बट अगर यहाँ पर इसने लो तोड़ दिया तो गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है, जो इसे 27,531 और 27,361 तक लेके जाएगी, और ये भी गिरावट हुई तो सीधे 26,707 तक यहाँ पर आ सकता है। तो हमें ये सारे के सारे फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देना है। तो निफ्टी बैंक में और देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक किस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी बताया था, ये इसका मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ से अगर तेजी हुई तो तेजी होगी, अदरवाइज गिरता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से देखिए गिरता हुआ नजर आया, डोजी बनी, डोजी को भी इसने तो क्रॉस कर दिया और तो आज और गिरावट हुई ओके। ये इसका अब सपोर्ट नजर आता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है चीजें 34,531 पे यहाँ पर रुक जाए, अगर यहाँ पर भी तोड़ती है तो मेन है 34,390, इसे भी अगर नहीं होल्ड कर पाया तो और नीचे गिरावट आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है
कि यहाँ से ही चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, तो निफ्टी बैंक की तरफ हमें ध्यान देना है। अब बात करते हैं 8 ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न या फिर इंट्राडे में अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले एफडीसी की बात करेंगे। एफडीसी की बात करें तो देखिए आज अच्छा खासा 6% के आसपास ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया। अब ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक राउंडिंग बॉटम। जब भी इस तरीके का राउंडिंग बॉटम बनता है तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई देती है जो इसे, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस भी सामने है जो 261 के लेवल को अगर इसने क्रॉस किया जो कि इसका मेन है, तो यहाँ पर 273 और 285-286 का लेवल ओपन हो जाएगा। और मेन अगर 286 का लेवल क्रॉस कर दिया तो तेजी होती हुई और यहाँ पर बढ़ सकती है, 319 तक इसे ले जा सकती है और धीरे धीरे करके चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। वॉल्यूम अच्छे खासे है, चीजें दोबारा अच्छी आ रही है, बट अगर नीचे आ जाता है तो एक लेने की कोशिश रहेगी। और एज वेल एज यहाँ पर रिजल्ट देख लीजिएगा तो यहाँ पर चीजें और ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो ये पूरा का पूरा व्यू था, तो ये याद रखिएगा यहाँ से चीजें भाग भी सकती है और यहीं पर ही अगर कोई कैंडल बियरिश कैंडल बना दी और यहाँ पर फिर गिरावट भी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो 5 मिनट इंट्राडे करने के लिए 5 या 15 मिनट की कैंडल को आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई देगा। ओके, उसमें आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई दिखाई दी जाएगी। एफडीसी की बात हम बात करेंगे। केयर रेटिंग, केयर रेटिंग एक और यहाँ पर स्टॉक्स है जहाँ पर आज अच्छा खासी तेजी होती हुई दिखाई दी, लगभग 15% की। ओके, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3 ट्रिपल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसने आज का जो इसका हाई था 492 इसे क्रॉस कर दिया तो एक तेजी होगी जो इसे 570 तक लेके जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान देना है। बट मेक और ब्रेक लेवल है, ये भी हो सकता है कि यहाँ तक जाने के बाद चीजें गिरती हुई नजर आए और इसे नीचे की तरफ ट्रैक कर दे। तो कल यहाँ पर देखिएगा अगर तेजी होती है तो तेजी करनी है, फिर यहाँ तक ये टारगेट है, अदरवाइज यहाँ पर गिरावट होती है तो चीजें नीचे आ सकती है और यहाँ तक दोबारा इसे ड्रैग कर सकती है। इसके अलावा हम एक और स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, मिंडा कॉर्प। 2-3 दिन से मैं यहाँ पर लगातार आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर जब ये स्टॉक्स मैंने आपको कल उस दिन बताया था तो ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज इसने एक ड्रैगन फ्लाई बनाई है, एक डोजी बनाते हुए दिखाई दी है। अगर इसका हाई टूट जाता है तो याद रखिए तेजी होगी जो इसे 275 तक लेके जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20% के रिटर्न आपके हाथ में रखे हुए और ये भी क्रॉस हो गया तो और भी ज्यादा रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया है, बट यहाँ पर हम देखें तो अगर यहाँ पर से कल अच्छी खासी तेजी हुई, ओके, यहाँ पर मल्टी कोई कंफर्मेशन यहाँ पर दिया, कोई ऐसी कैंडल बनी जो इसे तेजी करती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर ये शेयर 1046 तक लगभग 100 रुपए आपको देते हुए दिखाई दे सकता है इंट्राडे में ही। आज भी देखेंगे 50 रुपए का यहाँ पर जंप थी, ओके, लगभग यहाँ पर फिर 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर ये टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये भी क्रॉस हुआ तो हमारा 1200 तक का ये लेवल आ सकता है। तो बिरला कॉर्प की तरफ भी आपको यहाँ पर ध्यान में देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और पर्टिकुलर स्टॉक्स, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये स्टॉक्स बताया था, 1 महीना हो गया होगा लास्ट, ओके, जब गिरावट हुई थी। आज यहाँ पर अच्छी खासी तेजी 2 दिन से होती हुई दिखाई दी है, आज भी देखेंगे लगभग 7% शेयर पर भागा है और यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल होता हुआ दिखाई दिया और राउंडिंग टॉप होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर 736 के लेवल को इसने क्रॉस किया तो ये शायद 882 और अच्छे खासे तरीके से ये 900 तक के लेवल यहाँ पर दिखा सकता है और धीरे धीरे करके ये अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है, ओके, अनुपम रसायन। बट यहाँ से अगर टच करके नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस 652 का है, यहाँ तक भी ये शेयर आ सकता है फिर, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं क्रॉम्पटन ग्रीन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें, ऑलरेडी यहाँ पर आज के दिन भी ब्रेकआउट हुआ है, ओके, अच्छे खासे तरीके से 371 से 383 ये शेयर चला गया है और अब ये एक जहाँ पर रुका है वो एक काफी बेहतरीन जगह पर रुका हुआ है। अब यहाँ से अगर तेजी करनी है तो आज का हाई 387.45 रुपए इसे अगर क्रॉस कर देता है तो ये यहाँ पर 406 और 410 और 12 के लेवल को भी यहाँ पर दिखा सकता है और शायद 428 के लेवल को भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स की तरफ ध्यान देना है और इस लेवल की तरफ ध्यान देना है और ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल बनी तो चीजें आ सकती है और 355 तक यहाँ पर इसे लेके जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी एक ये भागता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये शोल्डर बना है, ओके, ये हेड बना है, देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ पर एक तेजी होती हुई, अगर ये यहाँ से क्रॉस करता है तो ये शेयर अच्छे खासे यहाँ पर गेन आपको दे सकता है, और कितने टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है, तो 300 ऊपर ही ले लेते हैं थोड़ा सा, 324 325 के रिटर्न, लगभग 10-15% के रिटर्न सीधे दे सकता है। और मुझे लगता है चीजें यहाँ पर से अगर निकली तो यहाँ तक तो एटलीस्ट 350 तक तो जाती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ की तरफ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तरफ। अब बात करते हैं यहाँ पर एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर, सुवेन फार्मा। ओके, काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, मैंने कल वीडियो बनाई थी आपको बताया था कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फार्मा इंडेक्स में कर सकता है लीड, तो यहाँ पर देखिए फार्मा इंडेक्स ने लीड करना शुरू कर दिया है, शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए आज के दिन 4% भागा है, बट यहाँ पर जर्नी खत्म नहीं होती, अब इसने अपना हाई निकाला तो यहाँ पर ये शेयर 480 और 483 के लेवल दिखा सकता है, और ये भी लेवल निकाला तो 498, और धीरे धीरे करके ये शायद 500 और 600 का लेवल यहाँ पर दिखा सकता है स्विंग में भी। तो याद रखिए इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है, सुवेन फार्मा काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसकी अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो आप इसके फंडामेंटल से इंप्रेस होंगे। सो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कुछ स्टॉक्स है और निफ्टी का व्यू है जो आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि